है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हमारे पास एक HPDC का कंपोनेंट है, ठीक। तो इस फोटो में देखिए, तो इस फोटो में आपको दिखेगा कि ये जो रेड पोर्शन है, इसमें ये जो सर्कुलर दिख रहा है ये है बिस्किट, और ये जो रेड पोर्शन में ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये रनर है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये ग्रीन पोर्शन, तो ग्रीन में ये ओवरफ्लो है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कास्टिंग पार्ट है जो कि येलो पोर्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से HPDC मोल्ड का रनर, राइजर, जिसको राइजर को आप ओवरफ्लो भी बोलते हो, ओवरफ्लो, रनर और बिस्कुट के साथ इस तरह से वो कंपोनेंट दिखेगा, ठीक है। तो इसको बाद में हमको ट्रिमिंग करना पड़ता है, बाद में इसको हमको अलग करके निकालना पड़ता है। तो मेन जो हमारा पार्ट है वो येलो पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो येलो पोर्शन, ये हमारा मेन कास्टिंग पार्ट है जो कि एल्यूमिनियम का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज़ हम कोई HPDC मोल्ड बना रहे हैं, तो HPDC मोल्ड बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो ये डाटा होता है, ठीक है। तो इस डाटा में सबसे इम्पोर्टेंट उसमें मटेरियल, ठीक है, श्रिंकेज, इजेक्शन स्ट्रोक, ओवरऑल साइज ऑफ मोल्ड, जिसमें होता है हाइट, लेंथ और विड्थ, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं शट हाइट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो ये आपको मोल्ड से रिलेटेड डाटा आपको पहले से मिला होता है, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पर मटेरियल है, तो वो मटेरियल कौन सा है, वो ALSI एल्यूमिनियम अलॉय है जो कि 12 ग्रेड का है, ठीक है। उसका श्रिंकेज वैल्यू है, ठीक है, तो उसका श्रिंकेज वैल्यू 0.6% दिया है। तो श्रिंकेज वैल्यू वह परसेंटेज होता है कि जब मटेरियल इंप्रेशन के अंदर भर जाता है, भरने के बाद मटेरियल कुछ अपने आप में श्रिंक होता है, ठीक है। तो हमको जो इंप्रेशन का जो साइज़ होता है वो कुछ बड़ा बनाना होता है कि जो 0.6 का हमको श्रिंकेज लेके चलना पड़ता है हमारे मेन कंपोनेंट में, ठीक है। इजेक्शन स्ट्रोक, इजेक्शन स्ट्रोक वह स्ट्रोक होता है जो, अब इसमें मैंने जो इजेक्शन स्ट्रोक लिया है वो 110 mm लिया है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रोक है जिससे अपना कंपोनेंट कंप्लीट कूलिंग के बाद वह कंपोनेंट बाहर निकल जाता है। सपोज़ ये इजेक्शन स्ट्रोक है, ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट अगर आता है तो ये कंपोनेंट आसानी से इजेक्ट हो जाए। और तो ये जो स्ट्रोक है, ठीक है, जहाँ पर स्पेसर लगे होते हैं तो ये जो जगह होती है ये इजेक्शन स्ट्रोक होता है, ठीक है। अब उसके बाद ओवरऑल मोल्ड की जो हाइट और लेंथ और विड्थ, ओवरऑल साइज जो होता है वो भी हमको दिया होता है, ठीक है, कि इसके अंदर हमको बनाना है मोल्ड। और उसके बाद शट हाइट कंप्लीट देकर रखते हैं कि जो सब कंप्लीट प्लेटें लगी होती हैं, जो कंप्लीट प्लेट लगाकर पूरा एक कंप्लीट मोल्ड बनता है, ठीक है, तो उसकी जो ओवरऑल लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं शट हाइट, ठीक है। उसके बाद गेट कैलकुलेशन में हम देख लेते हैं। तो इसमें गेट कैलकुलेशन में हमको कुछ डाटा दिया है कि वेट उसका कितना होगा कंपोनेंट का, तो वो है 2300 ग्राम, ठीक है। मैक्सिमम वॉल थिकनेस कितनी होगी, तो कंपोनेंट की जो मैक्सिमम वॉल थिकनेस है वो है 4 mm, ठीक है। तो ये जो वॉल थिकनेस है ये यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस हो सकती है और नहीं भी हो सकती, वैसे तो मैक्सिमम जो वॉल थिकनेस इसने यहाँ पर 4 mm दी है, ठीक है। उसका जो फील्ड टाइम है वो 0.06 सेकेंड है, तो सोचो कि कितना कम फील्ड टाइम है जब इंप्रेशन के अंदर पूरा मटेरियल भर जाएगा, ठीक है। गेट की जो वेलोसिटी होती है, तो गेट के अंदर से, सपोज गेट है तो गेट के अंदर से जिस स्पीड से मेल्टिंग मटेरियल अंदर जा रहा है, सपोज़ जो एल्यूमिनियम है जो मेल्टिंग कंडीशन में है वो किस तरह से इंप्रेशन में कितनी तेज़ी से अंदर जा रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। गेट का जो एरिया है, ठीक है, और जो उसकी लेंथ है वो हमको इतनी दी है। अब इनकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जो गिवन डाटा है वो हमको दिया होता है जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, तो गिवन डाटा क्या होता है, टोटल प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कंपोनेंट। सपोज कंपोनेंट हमारा ये टॉप व्यू में है, तो टॉप व्यू में जो टोटल प्रोजेक्टेड एरिया है, तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हमारा टोटल प्रोजेक्टेड एरिया है, तो ये वाले एरिया को पहले हम देखते हैं। तो टोटल इसका प्रोजेक्टेड जो एरिया है वो है 470 cm², ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ साइड को, ठीक है, ये है 135 cm², ठीक है। उसके बाद जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ रनर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो बिस्कुट, ठीक है, तो रनर और ओवरफ्लो बिस्कुट का टोटल जो जो कंप्लीट एरिया है वो है 214 cm². टोटल प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट का टोटल प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा कि जो रनर को और साइड कोर को और कंपोनेंट को मिलाकर होगा वो हम तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो तीन जो फैक्टर हैं इसको हम ऐड करेंगे वो आएगा टोटल प्रोजेक्टेड एरिया में, ठीक है। तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है, वो मिलेगा 819 cm², ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड स्पेसिफिक
कास्टिंग प्रेशर, उसका जो प्रेशर हमको दिया हुआ है वो है 600 से 700 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस मशीन पे हम अपने मोल्ड को, टूल को हम चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डाई लॉकिंग फोर्स, तो डाई लॉकिंग फोर्स जो होता है वो डाई ओपनिंग फोर्स इनटू 1/2 करते हैं, तो ये थंब रूल है। और उसके बाद जो हमको टन में मिलता है वो मिलता है 590 टन। उसके बाद मशीन सिलेक्टेड, तो इसके ऊपर ही जो टन में जो हमारा फोर्स निकलता है उसके ऊपर हम मशीन का सिलेक्शन करते हैं। अब वेट का कंपोनेंट क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारे पास है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 6229, और इसकी जो सॉलिड डेंसिटी है वो है 2.7। तो 2.7 हर मटेरियल की अलग से मतलब कुछ एक डेंसिटी होती है। तो एल्यूमिनियम ALSI, एल्यूमिनियम अलॉय की जो इसकी डेंसिटी है वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे इसको इंटू कर देंगे तो हमारे पास जो वेट ऑफ कंपोनेंट इतना निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम वॉल थिकनेस, तो मिनिमम वॉल थिकनेस हमको कंपोनेंट में दी है जो कि है 4 mm, ठीक है, जिसको हम T से डिनोट करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं गेट कैलकुलेशन। अब गेट कैलकुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो गेट का जो हम थिकनेस देंगे वो डिपेंड करेगा T/3। तो T हमको दिया है 4 mm जो कि वॉल थिकनेस है, तो वॉल थिकनेस को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो गेट का थिकनेस होगा वो होगा 1.4 mm, ठीक है। इसको हम बढ़ा सकते हैं 1.8 mm तक, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मेटल थ्रू गेट, ठीक है, वो कितना होगा, 1.2 इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जो हमारे पास है वो कितना है, वो है 622.9, ठीक है। तो उसको 1.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 748 सेंटीमीटर क्यूब। फ्यूल टाइम हमारे पास है 60 मिली सेकेंड, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 0.06 सेकेंड, ठीक है। अब गेट की वेलोसिटी हमको दी हुई है, उसके बाद फील रेट, उसके बाद गेट एरिया। तो गेट एरिया को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ रनर कैलकुलेशन है, तो रनर कैलकुलेशन को भी हम देख लेते हैं। तो रनर कैलकुलेशन जो होती है वो रेशो ऑफ रनर एरिया इज टू गेट एरिया, जो कि रनर एरिया का और गेट एरिया का जो रेशो होगा वो 3:1 में होगा, ठीक है। और रेशो ऑफ रनर थिकनेस और गेट थिकनेस वो होगा 8:1 में, ठीक है। तो रनर की जो थिकनेस होगी और गेट की जो थिकनेस होगी, सपोज रनर की जो थिकनेस है वो है 8 mm, तो जो गेट की जो थिकनेस होगी वो 1 mm होगी, तो इसका जो रेशो हो जाएगा 1:8:1 हो जाएगा। उसके बाद ओवरफ्लो का कैलकुलेशन देखते हैं। ओवरफ्लो को आप राइजर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ओवरफ्लो, तो डेप्थ ऑफ ओवरफ्लो लेंगे 3 वॉल थिकनेस, तो 3 × 1.8, तो 5.4 mm, ठीक है। अब विड्थ ऑफ ओवरफ्लो लेंगे 2 × 5.4, तो 2 × डेप्थ ऑफ ओवरफ्लो तो हो गया 10.8। अब लेंथ ऑफ ओवरफ्लो लेंगे, वो लेंगे 2 × विड्थ, ठीक है, जो कि 10.8 mm है, ठीक है। तो इसको मैं 11 मान सकता हूँ, तो ये 2 × 11, तो 22, तो विड्थ आ गई इसकी 22, ठीक है। ओके, जिसके साथ ओवरफ्लो और उसके साथ बिस्किट और रनर जॉइंट है, ठीक है। तो इसमें जो सेंटर वाला पोर्शन है वही काम का है, बाकी सभी वेस्ट मटेरियल है, तो इसको भी हमको ट्रिमिंग करके बाहर निकालना पड़ता है। तो आज इसी को हम देखते हैं। ये जो आपको गोल पोर्शन दिख रहा है ये इसका बिस्किट है। जब मोल्ड में प्लंजर जब हिट करता है तो ये बिस्किट बनता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं आइट साइड से जो जा रहे हैं ये इसके रनर हैं, ठीक है। जो इतने सारे रनर इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें फ्लो को बैलेंस करने के लिए, ताकि एक यूनिफॉर्म टाइम पे पूरे कंपोनेंट में फिलिंग हो जाए मटेरियल की, इसलिए हम इतने सारे गेट इसमें और रनर को लगाते हैं, ठीक है। ये जो है ये ओवरफ्लो है। जब मटेरियल ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के बाद ये मटेरियल वापस कंपोनेंट के इंप्रेशन में वापस आता है, ठीक है। तो ताकि मटेरियल इसमें कम ना पड़ जाए, कम ना पड़ने के लिए हम ओवरफ्लो इसमें लगाते हैं। तो जहाँ पर जगह होती है, जहाँ पर भी हमको स्पेस मिलता है, वहाँ पर हम ओवरफ्लो लगा सकते हैं। तो बाद में इसको हम ट्रिमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट का, एक HPDC कंपोनेंट का मैं ओवरव्यू
आपको दे रहा हूँ, ये भी ओवरफ्लो का आगे पोर्शन है, ठीक है। ओवरफ्लो आगे तक इस तरह से जाता है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो कि इसमें से जो एयर वेंट की तरह भी ये काम करेगा, ये जो आपको रेक्टेंगुलर देख रहे हैं ये एयर वेंट की तरह काम करेगा। तो इसमें से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जब भी हॉट मेटल इसके अंदर जाता है मोल्ड के अंदर, तो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसको ये निकाल देता है, ठीक है। तो गैसेस के कारण जैसे वॉइड्स या फिर कोई डिफेक्ट वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, बबल्स वगैरह बन जाते हैं उस कंपोनेंट में, तो उस चीज़ को वो कम कर देता है, ठीक है। तो ये HPDC का एक कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट को मेरे बताने का मतलब ये है कि मैं आगे जब कभी HPDC मोड को आपको बना के दिखाऊंगा तो इस ओवरव्यू से आप समझ जाओगे कि किस तरह से HPDC का कंपोनेंट होता है। जो मिड में जो आपको पोर्शन दिख रहा है तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है, ठीक है। और जो ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो बिस्किट और रनर जो और गेट हैं, ये इसके लिए बाद में एक ट्रिमिंग टूल बनाना पड़ता है। उस ट्रिमिंग टूल से हम इसको बाद में ट्रिम कर देते हैं और हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसकी कुछ कैलकुलेशन आपको इसमें वीडियो में मैंने आपको बता दी है। तो जो बेसिक जो थंब रूल है, वो थंब रूल कैलकुलेशन है, उससे उसके सहारे से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वही कंपोनेंट में जो आपको रेडियस दिख रही है, वो रेडियस आपको प्लास्टिक का पार्ट हो या एल्यूमिनियम का पार्ट हो, आपको हर जगह देनी होगी ताकि आपका जो कंपोनेंट है वो आसानी से कोर और केविटी में से निकल सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर जगह रेडियस दिख रही होगी कि जहाँ पर भी शार्प पिचेस आएगी वहाँ पर आपको रेडियस देना पड़ेगा, ठीक है। और जिस पोर्शन में कंपोनेंट का कोई यूज़ नहीं है, जिस पोर्शन का, जैसे यहाँ पर एक खाली स्पेस है तो यहाँ पर भी हमने एक ओवरफ्लो दिया है सेंटर में, जो कि ये भी बाद में ट्रिम करके निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तो जहाँ यहाँ पर जो भी एरिया है, जो रिब्स हैं, सपोज़ वहाँ पर अगर कोई इंपॉर्टेंट रिब नहीं है जो कि कंपोनेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन हम रिब को इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसका इजेक्शन आसानी से कर सकें, ठीक है। तो ये एक सेंटर वाला ओवरफ्लो है, तो ये ओवरफ्लो लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि सेंटर में भी कंपोनेंट में इम्प्रेशन में आसानी से फील हो सके। तो ओके दोस्तों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो इसके अगले लेक्चर में हम इस कंपोनेंट का शायद पूरा कंप्लीट मोल्ड बनाएंगे, जो कि HPDC मोल्ड होगा, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, तो ठीक है। तो इसकी वॉल थिकनेस भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगी। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसका मोल्ड बनता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे पास बना बनाया है, तो इसी का हम मोल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन काट के आप देख लीजिए कि इसकी जो मैक्सिमम वॉल थिकनेस क्या है, ये कहीं पर कम और ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये कास्टिंग पार्ट है, ठीक है। और ओवरफ्लो इसलिए होता है ताकि उसमें कम एक्स्ट्रा मटेरियल चला जाए और जब ज़रूरत होती है तो वो इम्प्रेशन में वापस आ जाए, तो इस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। ओके दोस्तों, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।